कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? सो 25 मिनट्स के बीएसएफ शो के बाद हम गए बीएसएफ म्यूजियम में. वो वहीं बना हुआ है, उसके अंदर ही है. और यहाँ पे आइडल्स बने हुए थे और ऐसा लग रहा था बिल्कुल ओरिजिनल ही है. और मेरे साथ तो एक चीज़ हो गई. यहाँ पे एक खड़े थे और मुझे लगा वो भी एक आइडल ही है. और जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने ना मुँह हिलाना चालू कर दिया. मुझे पता लग गया कि ये ओरिजिनल है. ठीक है सब? ठीक हूँ. क्या है? लोग बना रहे हो अभी? लोग नहीं. हाँ जी, पहले लोग भी लोग मैम. इसमें से कई असली है. और नहीं मना है तभी तो ये रेड पट्टी लाई है. तो इसके बाद मैंने देखी 5-6 तरीके की गन्स. और इनमें से आज मैंने पहली बार देखी AK-47. आज तक सिर्फ वैसे देखी, आज पहली बार ओरिजिनली देखी है मैंने AK-47. टू ले रहे हैं, स्क्रिप्टेड है. तो फ्रेंड्स ये है कि विशाल जी को हम फोन कर रहे हैं अभी. हाँ, अब पता लग गया ये विशाल वाला कौन है. तो फिर हम आगे आगे हाँ तो हम इसको फोन कर रहे हैं अभी. हाँ, इनमें कह रहे हैं कि आपका एक बैग गिर गया, प्लीज पीछे चेक लाइए. सो पीछे जाएंगे फिर बैग नहीं मिलेगा हमारा रास्ता साफ हो जाएगा. फिर ये मनी अम्मा अपशब्द बोलेंगे, अपशब्द बोलेंगे हमें टोटोट वाले. सो इसके बाद हमने इतना डिस्कशन करने के बाद प्लान तो कर लिया, लेकिन हमने इसे नहीं किया परफॉर्म. सो वाघा बॉर्डर से निकलते निकलते हमें रात हो गई. और इसके बाद हमने देखी अमृतसर की नाइट व्यू. इतना सुंदर ओवरब्रिज के ऊपर लाइटिंग थी, आप देख ही सकते हैं. कैसी लगी आपको मेरी ये छोटी छोटी डायरीज़, आप कमेंट में बताना. So finally, after a long discussion, we find a room, and here I give you our room tour. So ये है हमारा कमरा. कैसा लग रहा है guys? सुबह से मैंने अपना पूरा लुक नहीं दिखाया है. चल झूठा. ये है वॉशरूम. तो रूम में कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम निकल चले अमृतसर की गलियों में खाना खाने के लिए. और हमने काफ़ी कुछ देखा और 3-4 रेस्टोरेंट देखने के बाद हमने एक डिसाइड कर लिया और हमने वहाँ खाना खा लिया. इसके बाद हम We'll be right back.
स्ट्रीट्स के अंदर पंजाबी जुत्ती और फुलकारी की इतनी अच्छी वैरायटी थी, यहाँ कड़े वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया लग रहे थे। एक चीज़ मैंने यहाँ नोटिस की, ये जो शॉप्स के नेम है ना, यहाँ आप देख ही रहे होंगे, ये जो शॉप्स के नेम है यहाँ एक ही जैसी थीम है, यहाँ सारे के सारे एक जैसे ही लिखते हैं, मतलब सेम कलर सेम डिज़ाइन सब कुछ। टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना रखी हैं, बहुत ही अच्छी थी। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद हम रंग पंजाब की तरफ हम जा रहे हैं, और रंग पंजाब काफ़ी अच्छी जगह है फ़ोटोशूट वगैरह के लिए, वहाँ कैमरामैन काफ़ी थे और मैंने भी काफ़ी फ़ोटोशूट करवाया है, शेयर करूँगी जल्दी। इसके बाद कुछ जिन्हे चले गए स्टारबक्स कॉफ़ी पीने और हमने डिसाइड किया आइसक्रीम खाना। अभी आपको दिखाती हूँ अच्छी सी आइसक्रीम। ये जगह बनी हुई है रंग पंजाब में और इस लेन के अंदर पूरे झूमर ही झूमर लगे, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ोटोशूट हो रहा था और इतनी अच्छी फ़ोटोज़ आई हैं यहाँ पर सबकी। ये फाउंटेन भी बंद पड़ा था। गुड मॉर्निंग पीपल, तो मॉर्निंग हो चुकी है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? कैसा लगा मेरा मजाक? तो हम पहुंच चुके हैं मैगी और जिन्हें जा चुके हैं हम इस तरीके से, और हम यहाँ आए हैं बर्गर खाने के लिए। ये क्या कर रहा है ये ना? वेट फॉर एक सेकंड। रुको जरा, सबर करो। इसके बाद हम आ गए जलियांवाला बाग, और हम ज़्यादा कुछ नहीं था, बस यहाँ पे गार्डन बना हुआ था बढ़िया सा और काफ़ी चीज़ें थी, कुआं था जहाँ पे गन के शॉट। हेलो गाइस, हम आ गए जलियांवाला बाग। बोल दिया देख ले। किसी ने पूछा था कि अमृतसर की वेदर कंडीशंस वगैरह क्या हैं अगर हम भी जाएं, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो में शेयर किया जाए ताकि कोई और भी जा रहा है तो उसे भी हेल्प हो सके। तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान से तो कम ही थी वहाँ पे ठंड और राजस्थान में ज़्यादा है। अगर आप चाहें तो आप नॉर्मल वियर कर सकते हैं कुछ भी,
बट रात में थोड़ी सी ठंड होती है और सुबह सुबह उठते टाइम थोड़ी बहुत ठंड होती है, बाकी धुंध बिल्कुल नहीं थी वहाँ। सो इस अकॉर्डिंग आप कपड़े लेके जा रहे लगाओ। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। उधर भी लगा रहे, आवाज नहीं आई, ऊंची बोलो जय माता दी।